हेलो भाइयों, मेरा नाम है वागेला नारायण और आज हमारे साथ जुड़ी है सुजुकी की एस्प्रेसो। सबसे पहले हम अगर इसकी फ्रंट लुक की बात करें तो कुछ ऐसा आपको एसयूवी टाइप फ्रंट लुक देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये एसयूवी नहीं है, ये एक माइक्रो कार है जो सुजुकी ने लॉन्च की थी। अगर हम इसके फ्रंट की बात करें तो बीच में आपको सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसके बम्पर की बात करें तो आपको फॉग लैम्प की हाउसिंग देखने के लिए मिलती है, लेकिन आपको इसमें फॉग लैम्प नहीं देखने के लिए मिलते। और कुछ ऐसी फ्रंट लुक है जहाँ पर आपको सीधा फ्लैट आपको इसका बोनेट देखने के लिए मिलता है। इतना ही कुछ है, ये आपकी एयर इनटेक की जगह हो गई, ये ऐसी कुछ ग्रिल देखने के लिए मिलती है। अगर आप इसके टॉप मॉडल पे जाओगे तो आपको यहाँ पर क्रोम का वर्क देखने के लिए मिलेगा। अगर हम इसके बोनट पर आएँ तो आपको ये वॉशर फ्लूड देखने के लिए मिलता है। ये आपके हो गए इसके वाइपर और कुछ ऐसी विंडशील्ड देखने के लिए मिलती है। अगर हम इसके साइड प्रोफाइल पर आएँ तो आपको कुछ ऐसी साइड प्रोफाइल देखने के लिए मिलती है। यह इसका मिरर हो गया, एडजस्टेबल मैनुअली एडजस्टेबल मिरर देखने के लिए मिलता है। आपको मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा और अनफोल्ड। और ये इसका फेंडर पे इंडिकेटर, ये इसका एफएम का एंटीना देखने के लिए मिलता है। ये इसका हैंडल है डोर को लॉक और अनलॉक करने के लिए। इसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती, इसलिए ये आपको मैनुअली खोलना पड़ेगा की लगाकर। अगर हम इसकी की बात करें तो कुछ ऐसी की देखने के लिए मिलती है जहाँ पर लॉक एंड अनलॉक करने का बटन मिलता है, लेकिन बिल्कुल बेसिक सी की है। इसकी सेंट्रल लॉकिंग फ़िलहाल तो काम करती नहीं है, लेकिन ठीक है, चल जाता है काम। और अगर इसके साइड प्रोफाइल में आए तो ऐसी कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलती है जहाँ पर आपको बी पिलर ब्लैक मैट फिनिश में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये इसका सी पिलर हो गया। अगर हम इसके टायर साइज पर आए तो 165R70R14 14 इंच को आपका टायर देखने के लिए मिलता है। ये इसका कुछ बैक साइड का डोर, छोटा सा ग्लास आपको देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसकी ब्रेक बैक प्रोफाइल पर आएँ तो कुछ ऐसी ब्रेक बैक प्रोफाइल है जहाँ पर आपको एस्प्रेसो की बेजिंग, सुजुकी का लोगो ना, इसमें ये आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप हो गया ना, आपको वाइपर देखने के लिए मिलता है, ना ही आपको कोई डिफॉगर। ये इसकी कुछ ब्रेक लाइट, ये आपकी ब्रेक लाइट हो गई, ये इंडिकेटर और ये रिवर्स पार्किंग लैंप हो गया। ये आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलता है। दो पार्किंग सेंसर है। ये इसका बूट अनलॉक करने के लिए जगह लॉक दिया गया है। बिल्कुल बेसिक कार है। और अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो 40 लीटर की आपको इसमें फ्यूल कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है। और बाकी सब कुछ एक जैसा ही है, बिल्कुल सेम ही है सब कुछ। अब इस कार के अंदर चलते हैं तो कुछ ऐसा इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। आपको मिनी कूपर स्टाइल इंस्पायर्ड आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। डैशबोर्ड, अगर हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डोर की बात करें तो ये अनलॉक एंड अनलॉक करने के लिए जगह, और ये आपका डोर को लॉक करने के लिए जगह। ये आपका मैनुअली एडजस्टेबल मिरर आपको देखने के लिए मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता इस कार में, आपको टॉप मॉडल लेना पड़ेगा। ये आपका डोर बंद करने के लिए जगह, और ये आपको यहाँ पर एक बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है, और ये मैगजीन होल्डर। अगर हम इसकी स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो कुछ ऐसी स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलती है जहाँ पर आपको यहाँ पर इसके म्यूज़िक के कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। ये फ़ोन उठाने के लिए, फ़ोन रखने के लिए, वॉइस कमांड, और ये म्यूट करने के लिए, म्यूज़िक फ्रंट और बैक करने के लिए, वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए जगह देखने के लिए मिलती है। और बीच में सुजुकी का लोगो,
एयरबैग आपको इस कार में मिलते हैं। इस तरफ ड्राइवर और को ड्राइवर साइड आपको एयरबैग देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम ये बात करें तो ये वाइपर के कंट्रोल हो गए और ये इसके हेडलैम्प के कंट्रोल है। क्योंकि इस कार में जो है आफ्टर मार्केट सीएनजी फिट कराई है, तो आपको यहाँ पर इसके सीएनजी के इंडिकेटर देखने के लिए मिलती है। आपको कुछ स्टोरेज स्पेस देखने के लिए मिलती है। ये आपका हेडलैम्प लेवलर है और ये बोनेट खोलने के लिए जगह। एबीसी पैडल आपको देखने के लिए मिलता है, कोई डेड पैडल नहीं है इस कार में। अगर हम इसके कंसोल की बात करें तो यहाँ पे कुछ रखने के लिए जगह, दो बॉटल होल्डर, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और एक रिवर्स के साथ आता है। ये इसकी हैंड ब्रेक। अगर हम इस कार की थाई सपोर्ट की बात करें तो इतना कोई खास नहीं है, लेकिन ठीक है। आपको इसमें फ्रंट की दो विंडो आपको इसकी फ्रंट की दो विंडो मैनुअली एडजस्टेबल नहीं मिलती, ये आपको बटन से मिलती है। पीछे की दो आपको मैनुअली एडजस्टेबल करनी पड़ती है हाथ से। ये कुछ फोन रखने के लिए जगह। ये इसके एसी के वेंट्स, यहाँ पर दो एसी वेंट्स मिलते हैं और एक को ड्राइवर साइड। अगर हम इसके हेडरेस्ट की बात करें, हेडरूम की बात करें, तो काफ़ी सही हेडरूम है। लेग स्पेस भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ये आपका मैनुअली में एडजस्टेबल मिरर, ये आपको एक लैंप मिलता है और यहाँ पर आपको इसका माइक मिलता है। ये आपका सन वाइज़र, यहाँ पर भी सन वाइज़र, कोई मिरर आपको देखने के लिए नहीं मिलता। ये इसके एसी के कंट्रोल्स, यहाँ पर एक 12 वोल्ट का सॉकेट, ऑक्स और यूएसबी कनेक्ट करने के लिए जगह। ये इसका स्टीरियो हो गया। और अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको स्पीड बताता है, यहाँ पर फ्यूल का गेज बताता है, या आपकी एवरेज गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, या आपका किलोमीटर हो गया, और ये डेड एवरेज फ्यूल रेंज, ये आपका टोटल किलोमीटर गाड़ी कितना चल चुकी है, ए ट्रिप बी ट्रिप सब कुछ इसी में आता है। इसमें आपको आरपीएम नहीं देखने के लिए मिलता, ये विदाउट आरपीएम गाड़ी आती है। ये आपका इंडिकेट, अगर आपको इस गाड़ी का फ्यूल लीड और बूट अगर आपको ओपन करना है तो आपको यहाँ पर भी एक बटन दिए जाते हैं दो, जहाँ यहाँ से आप इसके बूट और फ्यूल लीड को खोल सकते हो। आपको इस कार में 4 स्पीकर की जगह देखने के लिए मिलती है, एक चारों की चारों डोर के ऊपर ही है। ये कुछ ऐसी पूरी सीट बैक करके भी एक अच्छा खासा लेग रूम आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपका डोर अनलॉक करने के लिए जगह, ये आपका डोर बंद करने के लिए, और ये मैनुअली अप एंड डाउन करने के लिए विंडो की पोजीशन दी गई है, यहाँ पर भी वही है। आपको एक ग्रैब हैंडल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और क्योंकि ये 4 सीटर है इसलिए आपको दो हेडरेस्ट भी देखने के लिए मिलता है, और ये इसकी पार्सल ट्रे, यहाँ पर भी आपको एक ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है, पैसेंजर साइड भी और ड्राइवर साइड आपको नहीं देखता है। पीछे से आपको कुछ ऐसा इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसका बूट ओपन करके देखें तो आपको इसमें सीएनजी लगाने के बाद बिल्कुल भी बूट स्पेस नहीं मिलता। ये इसके हाइड्रोलिक्स, बस बिल्कुल बेसिक कार रही है। अगर हम इसके व्हील बेस की बात करें तो 2380 की आपको व्हील बेस देखने के लिए मिलती है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो 3565 mm की आपको इसकी लेंथ देखने के लिए मिलती है। ग्रॉस वेट की बात करें तो 1170 आपको ग्रॉस वेट देखने के लिए मिलती है। ये इसका 1000 cc का 4 सिलेंडर इंजन। अगर हम इसकी पावर की बात करें तो 55 bhp
और 85 Nm का टॉर्क आपको प्रोड्यूस करके देती है। यह आपकी बैटरी हो गई। यहाँ से आप इसमें वॉशर फ्लूड डालेंगे, ये इसका कूलेंट हो गया। और कुछ ऐसा इंजन भी आपको देखने के लिए मिलता है, ये नॉन टर्बो है, इसमें टर्बो चार्जर आता ही नहीं है और ना ही डीजल आता है, बस आपको पेट्रोल और CNG का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर हम इसकी हेडलैम्प की बात करें तो पूरा हेलोजन सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, जिसपे आपको हेलोजन बल्ब और एक छोटा बल्ब देखने के लिए मिलता है, और ये आपका इंडिकेटर हो गया। तो आपको कैसा लगा ये एस्प्रेसो का रिव्यू, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग रिव्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।